ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ ਕਮਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਟਾਪ ਕਲਾਸ ਦੁੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਜੀ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਰਿਹਾ ਦਾ 20-22 ਸਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਉਹ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣਾ ਜੀ ਸਾਡੂ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਠਾ ਸਾਡੂ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੂ ਮਾਰਜਾਂ ਦਾ ਡੰਗਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟਾਈ ਐਕਸਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੀਕਾ ਫੌਰਨ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਨਵਰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲੀ ਜੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਾਲੀ ਜੀਰੀ ਇੱਕ ਛਟਾਂਗ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਈ ਦੇ ਦੁੱਧ 'ਚ ਵਾਰ ਕੇ ਜਾਂ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ 'ਚ ਵਾਰ ਕੇ ਕਿਦੋਂ ਦੁੱਧ ਦੇਈਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛਟਾਂਗ ਜੀਰੀ ਦੇਈਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛਟਾਂਗ ਰੋਜ਼ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम तमाम दोस्त अहबाब को फार्मिंग गाइड में हूँ शाम अदीद। दोस्तों आज आपको एक जदीद डेयरी फार्म पर लेकर आए हैं, बहुत साफ़ सुथरा और बेहतरीन फार्म है। चौरी साहब की थोड़ी सी बातें आपको सुनाई हैं, मज़ीद उन्होंने क्या कहा ये जानने के लिए वीडियो पूरी देखें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। अगर आप फेसबुक पर हैं तो हमारा पेज लाइक करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर कोई मसला हो तो कमेंट बॉक्स इस्तेमाल करें। चलिए जी शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद माजिद। अच्छा, इस इलाके का तारफ तो करवा दें। अपना ततलियाली रोड नहर के नज़दीक और तहसील कामों के तहसील काम ठीक है। अच्छा सर, ये डेरेदारी के काम में कब से हैं आप? मैं तो तकरीबन सारी ज़िंदगी से हूँ। मैं बचपन से इसी काम में। हाँ, तो इस काम को आपने कैसा पाया? अच्छा काम। अच्छा आप बताएंगे, आपने ये डेरा जब शुरू किया ऐसे ही पहले बिल्डिंग बना के शुरू किया, पहले छोटा था एक्सपेंड किया बाद में? नहीं, पहले छोटा था। अच्छा, ये जो माशाल्लाह आपका डेरा बहुत खूबसूरत है, इस डेरे पे कितना का आपका खर्चा आ गया? तकरीबन आ गया जी, साडा पूरा कंप्लीट नहीं होया। अच्छा, 57 लाख रुपया लगा साडा। ठीक है, तो इसके लिए प्रॉपर डिजाइनिंग करवाई थी किसी से? जी बिल्कुल। ठीक है, तो आपके डेरे पे कितनी भैंसे हैं और कितनी गायें हैं इस वक्त? साढ़े को ना जी टोटल जानवर जोड़े ने 50 ने। ठीक है, जिन्हों चो दो साढ़े बच्चे ने, चार को गावं ने, बाकी मझा ने सारी। ठीक है, इन्होंने मझा के दुध देने वाली कि खांगड़ा कि इस टाइम दुध देने वाली साढ़े तकरीबन तुम ला लो कि अद्धिया दो। मझा की खरीदारी कहे इलाके करते हो? असं करते हैं जी व्याड़ी को। व्याड़ी को जी जी। उत्थों कड़ी नस्ल दियां मझां लैके आउंदे? नीली दियां। नीली दियां? नीली दी कोई पहचान दस सकदे हो कि इह नीली दी? उधर कहंदे ने दूसरे इलाकें च वी चलियां जांदियां ने। जी इह जिहड़ी नीली दी पहचान है ना, वो ये कि वो मझ एक ते जिसम दी स्मार्ट हुंदी है। हाँ जी, मक्की दिखिया जिसम नहीं होंदा। ठीक है, ठीक है ना जी। एक उहदी जिहड़ी आ धुन्नी नहीं हुंदी जानवरां नूं हेठां, धुन्नी नहीं हुंदी उहनां दी, बिल्कुल छोटी हुंदी हुंदी ही नहीं, ना आउंदे बराबर ही हुंदा। बिल्कुल ठीक है। जिहड़ी अगे कोली हुंदी है इह भी कोई नहीं हुंदी उहनां दी। ठीक है, ठीक है ना जी। पिछले साल असी माल परचेज किया ना, वो तकरीबन सानू 2.5 दे राउंड बाउंड जिहड़ा ना इत्थे पहुंच पाई जांदी है। ठीक है, तो ज़्यादातर दुध का काम कर रहे हो या लैन देन का भी काम कर रहे हो? सेल का भी काम करने हैं जी। ठीक है, लैन देन का भी काम है, दुध का भी काम, दो भी काम कर। अच्छा, तुसीं दो काम कीते ने, तुहाडे ख्याल नाल किहड़ा ज़्यादा फायदेमंद है, दुध का काम या लैन देन का? दुध का काम है जी। ये सब तो इस जानवर का टॉप क्लास का काम है। ठीक है, लेकिन ये आगे बंदा कर सके। ठीक है, घर के जी उन्होंने हो, इन्हों का निगरानी सही रखी जाए, सही खुराक दी जाए, सब तो इस टाइम जो सब तो प्रॉफिट वाला काम वो दुध बेचना है। ठीक है, तो तुहाडा डेली का कितना क दुध हो जाता है? साडा तो इस टाइम तो हो रहा जी 4 मण। 4 मण? हाँ जी। तो सेल कितने कर रहे हो? असं सेल इतनी कर रहे हैं। दुध ही लाई जाता? दुध ही लाई। तो की रेट लगता है? 97 रुपये किलो। 97 रुपये, ठीक है। उस तो अलावा जानवरों की अजकल खातरदारी की करते हो? असं इन्हों हरा चारा पा रहे हैं जी इस टाइम जी। जवान का ठीक है, नाल असी पा रहे हैं जी कणक दाक दलिया दलिया के कौड़ी खाल। ठीक है, ये नाल दुध डंगर तुरिया रहा है? हाँ जी, बेहतरीन ही रल दल। ठीक है, डेरे से जिहड़ियां मझां ने माशाल्लाह बड़ियां सोहणियां ते सेहतमंद भी ने, ते जिहड़ी सब तो टॉप लैवल की मझ है किन्ना क दुध कर रही है डेरे? साडे कोल ना जी असी राती कमल शेयर कीती है 6 महीने की सूजी जी, वह सब तो टॉप क्लास दुध करन दी सूजी सब दुध। इस टाइम ना जी कुत्ते दा पिछले 6 महीने ते रिहा दा 20-22 सिर। ठीक है, हूँ जो असा बेचीए हूँ इस टाइम थे 16 किलो से। ठीक है, हाँ जी, असा बेचिए 4.5 लाख जी। माशाल्लाह, हाँ जी बेचिए।
उस तो अलावा जिहड़ियां मझां ने वह सारियां 1500-1600 दी एवरेज जा रही। पिछले सालों से साडा असी ना इस साल थोड़ा जिहा ना चेंज करन लगे हां जी, असी ना रखन लगे हां अपना झोटियां पालन वास्ते साडा प्रोग्राम बन गया ते मझां असी विचों सेल कर दित्तियां ने। पिछले साल साडे कोल 2.5-7 कमाण। ठीक है, यह दसो कि यह जिहड़ा डेरा तुहाडा किन्नी कि जगह च वे? 1 एकड़ च। 1 एकड़ च तुसां पार्टीशनां बनाईआं ने जी? जी हाने बनाए ने। तो ये किस मकसद लिए बनाए ने? इधर खुली जगह भी है? वो कच्ची जगह है ना जी। हाँ जी, पक्की जगह तो जानवर जरा ना रिलैक्स नहीं होंगे। ठीक है, जिन्हों का कच्ची जगह तो नाम है। ठीक है, ठीक है ना, जो कच्ची जगह इस वास्ते रखी है, यह बच्चों की जगह पिछे बैक साइड पर यह मझा का जी। ठीक है, यह जड़िया थोड़िया मझा ने इन्हों के जा ये किन्ने थोड़े बच जाते हैं, किन्ने मर जाते? अगर बच्चा बचा लिया जाए ना जी, एक जा असी शेयर किया सही असी सामभिया दुद्ध छड़िया से उन्होंने तकरीबन 13 महीने का 13 महीने का साढ़ा 90,000 का सेल होया। माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे एवरेज की है कि ज़्यादा मर जाते हैं या बचा लेंगे? नहीं जी, असं तो कोशिश कर रहे हैं बच ही जाए सारे, लेकिन बिच कुछ गाह उड़ जाते हैं। की वजह बनती है मरण की? वो ये वजह बनती है कि जेडे आदमी होंगे ना जी मझा चोण वाले, हाँ जी, अगर तो रूटीन च एक बंद ने 10 मझा दिखाई हुई उन्होंने वही चोनिया ने जी जी, उन्होंने पता कि मैं इस बच्चे कि दुध देना। ठीक है, तो जो बदल बदल के बंदे चोनना जी वो किसी टाइम कोई दुध घट छड़ देता है, किसी टाइम कोई ज्यादा छड़ देता है, वो आके ना बच्चों की ना मसला खराब हो जाए। दुध की कमी की वजह तो बच्चा जो दुध की कमी, दूसरा जरा ना जी गर्मी के बच्चे इन्हों का ध्यान रखना पैंता, इन्होंने 2-3 बार दिन चुनवाओ। ठीक है, तो कोई तेज लस्सी भी इन्होंने देना चाहिए, मिट्टी तो इन्होंने बचाना चाहिए, तो अपना कीड़िया की दवाई शवाई इन्होंने पिलानी चाहिए है टाइम पर, इन्होंने चीज़ों का ध्यान करना पैदा। तो गावं जड़िया ने कि नसल दी गावं जो साढ़े को 2 साहीवाल दी? ठीक है, प्योर साहीवाल दी 2 जड़ियाँ ने, एक क्रास साहीवाल तो फ्रीजियन, एक जी तकरीबन ज़्यादा फ्रीजियन है, वो भी क्रास है कुछ चारा ने। साहीवाल का थोड़ा कैसा एक्सपीरियंस है, कितों तक मैक्सिमम दुध दे सकदी साहीवाल की जी? गां खोती है नहीं साढ़े सामने, हाँ जी, पिछला सूह जो सूई वो बची उपर की साइड बैठी है गोरे रंग की उपर की साइड बड़ी खूबसूरत है, वो जो गां सोई है ना साड़ी, ये गां थोड़ा असं 20 किलो दुध चल रहे हैं। माशाल्लाह, तेरी खिदमत की करते रहे नहीं यार? चारा अच्छा पाना है, खिदमत असं जानवर यही करते हैं, चारा अच्छा दें तो वंडा वगैरह भी पाते हो? नहीं तो देखिए साहीवाल लोग कहें जी 5 से 10 लीटर तक यह गां थो असी ना जी 20 किलो दुध तोलिया है। तो जी गां थी क्रॉस है साहीवाल फ्रीजियन वो की एवरेज? साढ़े को ना जी इस टाइम तो हम असं गावं कटाती ने, ये साढ़े को तकरीबन एवरेज रही है जी गावं की 28-30 किलो। उन्होंने भी स्वामी खिदमत जो साहीवाल की करते हो? नहीं जी, उन्होंने ज़्यादा वध करनी पैंती है, वो ज़्यादा खादियां ने साहीवाल जो घट खाता जानवर। ठीक है, तो दुध की जी है ना चिकनाई या कहते साहीवाल की जी तकरीबन मझा दिन रात मिलती है। ठीक है, तो दूसरा जरा ना पतला कि साहीवाल का या फ्रीजियन ना जी क्रास फ्रीजियन, हाँ जी विदायती गावं जो इन्हों का होंगे पतला जी साहीवाल की गां साड़ी तो जी गां साड़े को मौजूद है ना जी, हाँ जी हूँ ही चो के असं चाह बनवाने अभी पछाण नहीं कर सकते माई के दुध की। तो गावं जो नसल कशी का टीका लवाते हो जी तो उदू कि नसल का इंतखाब कर दो कि नसल का टीका लगा? असं दो ही लवाने जी, जहाँ साहीवाल या फ्रीजियन। ठीक है, हाँ जी सही हो गया। अच्छा, उस तो अलावा हूँ तुहाडे कोल जानवरों की बीमारियों के बारे में पूछना कि डेरे से जानवरों को कोई बीमारी वगैरह आई है तो करते हैं ना जी? 10 साल तो इतने ना अलग तरह एजेंसी वगैरह चौरी शमशाद खान से साडा अजीत सी। ठीक है, तो 5 साल पहला शहीद हो गया सी कमरे से, तो उन्होंने नाल रल के मैं काम शुरू किया। लेकिन मैं तो जो स्कूल छड़िया जी मैट्रिक तो बाद यही काम किया सारी जिंदगी, ये तकरीबन जी मेरा तजर्बा ही इन्ना हो चुका है अल्लाह के फजलो करम नाल कि असं अगर डॉक्टर नहीं भी बुलाते सानू समझ आ जाती है जानवर की है। ठीक है, लेकिन मैं तो डॉक्टर के बगैर कदे जानवर का इलाज शुरू नहीं किया। ठीक है, पहले उसका चैकअप करवाना इन मसला की है, तो एक डॉक्टर 2 डॉक्टर 3 डॉक्टर मसला करके फिर वह प्रॉपर इलाज कराना चाहता, तो फसल ना साढ़े तो कदे इंशाला तारा ना 10 साल एक जानवर मूँह करनी कदे आया। माशाल्लाह, वैक्सीनेशन करवाते रहते बड़े टाइम? वेरी गुड। तो उस अलावा गलघोटू जी तो वैक्सीनेशन करवाते? ठीक है, तो अच्छा जानवरों को साड़ू वगैरह हुई है तो वह इलाज करना चाहिए? साड़ू जरा ना जी कई किस्म का होंगे, हाँ जी वो किस्म भी दस दौ ताकि लोगों को पता चल जाए। जरा ना जी साड़ू एक कहीं मिठा साड़ू, हाँ जी, तो एक जरा ना वो आम जरा साड़ू मार जाता डंगर। ठीक है ना जी, असं तो 2.5 XL जरा इस्तेमाल करने टीका फौरन, जे वह कवर हो जाए जानवर ठीक है, ना हो असं काली जीरी जी है ना जी काली जीरी एक छटांग असं दें माई के दुध से बार के या गां के दुध से बार के किलो दुध देता है, एक छटांग जीरी देती है
ਉਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਟਰਾਂਗ ਰੋਜ਼ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਇਹ ਸਦਕਾ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸਾਂ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਈਏ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵਾਈਬਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਕਰ ਅਸੀਂ ਮਸਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅਦਰਕ ਪਿਆਜ਼ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾਂ ਮੀਰਾ ਵੀ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰੱਖੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆ ਜੀ ਦੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਮਾਲਸ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੱਝ ਪਿੱਛਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਵੇ ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਚੜਾ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਨਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਲਾਜ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਨੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਭਿਆ ਆਪਣੀ ਸਰਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਅਹਤਿਆਤ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੀ ਜਿਹੀ ਛਿੱਕੀ ਬਣਾ ਲਓ ਛਿੱਕੀ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਿਸ਼ੂਣ ਨਾ ਪੈਣ ਜੇਕਰ ਸੁਣਾਲਾ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਮੱਝ ਸੂਈ ਪਿੱਛਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ ਉਹਦੇ ਰਹਿਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਵੇ ਦਵਾਈ ਧਰਦੇ ਨੇ ਰਾੜ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਫ਼ਤਾ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੱਝਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਰ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਬੋਲ ਦਾ ਛਿੜਕਾ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧ ਪਾ 3 ਛਿੜਕਾਂ ਲਈਦਾ ਕਿਲੋ 2 ਕਿਲੋ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਸ਼ੱਕਰ ਪਾ ਲਈ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹ ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਨਾ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਈਜ਼ੀ ਆਪਣਾ ਵਰਤਦਾ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਅੱਛਾ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰਬਾਦ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜ਼ਹਿਰਬਾਦ ਅਗਰ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਜੀ ਜ਼ਹਿਰਬਾਦ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਰਮਾ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪਿਲਾਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਮੱਝਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਈ ਮੱਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਤੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆ ਟੀਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਹਿਰਬਾਦ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜ਼ਹਿਰਬਾਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਇਹ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਗੋਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਵਾ ਲੈਣੇ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਆਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਗੋਹਿਆਂ ਦੇ ਰੱਖੀ ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਆਇਆ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰਬਾਦ ਕਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਝ ਸੂਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੂਈਆਂ ਸਨ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਸੂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਆਹਾਂ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਮੱਝ ਵੀ 15-16 ਸੇ ਤੋਂ ਕਰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਚੰਗੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਸਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੀਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੀਟ ਚਾਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਰਹਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਕਾਰਨ ਸੋਜਸ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਮੱਝ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਰਹਿਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਸੋਜ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਵਾਈ ਧਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਵੇਖ ਜਾਏਗੀ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਦਵਾਈ ਧਰੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਅੱਗੋਂ ਵੇਖ ਜਾਏਗਾ ਦਵਾ ਦੇ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਠੀਕ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਸਾਇਲੇਜ ਬਣਿਆ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਲਈ ਆ ਜਾਂ ਸੇਲ ਵੀ ਕਰੋ ਸੇਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਰੇਟ 'ਤੇ ਦਿਓਗੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ 450 450 ਜੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਸਾਇਲੇਜ ਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ 400 ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੱਲੀ ਵੀ ਪੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹ ਛੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਸੀ ਸਾਇਲੇਜ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂਜੀ 26 ਏਕੜ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਬਰਵਕਤ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਓਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਫਸਲ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਛੱਲੀਆਂ ਤੋਂ ਉਡਵਾ ਲਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਦਾਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਬੈਸਟ ਸਾਇਲੇਜ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਲੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੱਲੀ ਕਦੇ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇਲੇਜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਛੱਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਛੱਲੀ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਾਇਲੇਜ ਬਣਾਈਏ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆ ਫਸਲ ਕੱਟੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਲੋਕ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਛੱਲੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਮਕਈ ਵੜ ਗਿਆ ਲੈ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੇਖੇ ਇੱਕ ਟੇਪ ਲਵੇੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ ਬੰਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਲ ਕਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਬੰਕਰ ਵਾਲਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਂਕਰ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਬੰਕਰ ਵਾਲਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਵਾਸਤੇ ਬੈਂਕਰ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇਲੇਜ ਅਸੀਂ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ 100-200 ਮਨ ਇਕੱਠਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਠੀਕ ਇਹ ਖਾਲੀ ਮੱਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇਲੇਜ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੋਗੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਇਲੇਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ
ठीक है ना जी। एक तैयार ये करनी चाहिए है, तो दूजा जो जानवर थोड़ा सून के रह गया ना जी एक महीना उदों का सैरज बंद कर दियो, सून तो बाद भी एक महीना ना पाओ, ठीक है, अगे पिछे पाते रहो कोई मामला नहीं। उस तो अलावा नवे बंदे जो इस कारोबार आना चाहते हैं उन्होंने की मशवरा दोगे क्या काम कैसा होगा? मैं समझना कि जरा साढ़े मुल्क बड़े बड़े कारोबार ने बड़े बड़ा पैसा बनता ना, लेकिन जे जिम्मेदार लोग हैं ना जी सानू इस तो अच्छा होर कारोबार कोई नहीं जिन्हें जानवर अच्छे तरीके पाल लेने, इन्हों की जिनी आमदन है ना जानवर की मेरी फसल च नहीं होंगी। ठीक है, सिर्फ है जानवर के काम तो कि आमदन हो जाती है कि खर्चा हो जाता डेरे का? साडा नहीं यार अहमदुल्ला अल्लाह का शुक्र है कि 10 साल तो असं कर रहे हैं जी, तो सानू छोटा जहा सैटअप एड्डा कोई बड़ा नहीं है, रुपया माशाला साढ़े को 30-35 लाख 40 लाख सू बच जाता साल का, ठीक है, सारे खर्चे कट गए महीने बाद साफ करने, ठीक है, जिन्ने अखराजात होंगे ना सारे असं कटने, असं जे अपने चारा पाने ना जी अपनी जमीन चो ये भी असं पैसे लाने, ठीक है, इन्ना रेट वह होना। अच्छा सर अपना फोन नंबर दे दो ताकि अगर कोई बंदा थोड़े को जानवर खरीदना चाहे साइलेज लेना चाहे या और कोई टिप लेना चाहे तो थोड़े राबता कर सके। नंबर मेरा जी 0381-13-800। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, बहुत अच्छी कीमती गल्लां दसियां ने, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।